मैं मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश भी है, विनती भी है, मेरी जो बात मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये पैसा जब हम रूटीन में डालेंगे तो ये अगले बच्चे का एक एक अच्छा होगा, सक्षम होगा, काम करने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, उसने दिया दूसरे काम है, लेकिन चलना चाहिए बाहर भी तो जाए ना। आपकी एलिजिबिलिटी अगर आपने क्राइटेरिया को इतना हार्ड कर दिया तो पर हार्ड नहीं करेंगे ना, अब बैठे कहाँ के लिए, इसमें ऐसा बताओ आप कि ये चीज भी चलना चाहिए और उसको सहूलत भी मिलना चाहिए और उसको ज्यादा परेशानी भी होना चाहिए। देखिए ये मौलाना आजाद जब बिलासराव जी के जमाने में था उस वक्त एजुकेशन को, उस वक्त भी ऐलान होता था कि 500 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, लेकिन मुश्किल से खर्च होते थे 170 160 करोड़ रुपए। सर सर जी मेरी पहले बात सुनो, फिर आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। पहले रास्ता देख लो, अभी तक उसको 30 करोड़ रुपए के ऊपर ही मिलेंगे तो 500 करोड़ कैसे हो गए, यही तो यही फाड़ कर रहे हैं। सुनिए ना, जो सरकारें आती हैं सर इस किस्म की बातें होती है, लेकिन अभी हम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। 10 साल पहले जो एजुकेशन लोन 2.5 लाख रुपए था और एक दूसरा जो लोन था राजीव गांधी जी के नाम पे वो 5 लाख रुपए था। आज एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है तो हमें ये लोन बढ़ा, ये कर्ज की जो अमाउंट है वो बढ़ाने की जरूरत है। एक चीज कितना करना चाहिए, तकरीबन 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए होने चाहिए, 20 लाख करेगी ठीक, वापिस आने वाला। सर सुनिए ना, मौलाना आजाद एक बोर्ड ऐसा था, सत्तर साहब एक बोर्ड ऐसा था जिसकी रिकवरी तमाम दूसरे बोर्डों से बहुत अच्छी थी। उस जमाने में 50,000 रूपए डायरेक्ट लोन दिया जाता था और वो जो डायरेक्ट लोन की रिकवरी थी ना सर, इसी अंदेशे के साथ कि ये पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उसकी रिकवरी सबसे अच्छी थी, जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ। अभी हम लोगों ने उस जमाने में एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन की बातचीत की थी कि 50 बच्चे विदेश जाएंगे जिसको 20 लाख रुपए दिया जाएगा, अभी हो गया मंजूर हो गया 40 लाख दे दिया, आप उसको रिपीट मत करो। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, 40 हो गए अभी, 40 लाख का मंजूर हो गया, जीआर निकल गया, मैं कल सवेरे आपको कॉपी दे दूंगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, जेरॉक्स करके दे दो सर। ये एजुकेशन का जो अमाउंट है यहाँ जा भी जेरॉक्स होगा वहाँ से निकालो और सबको एक एक कॉपी दे दो अपने, तो वही दे देंगे अभी हो जाएगा। ये एजुकेशन का जो अमाउंट है मतलब बच्चों के लिए वो अमाउंट भी बढ़ना चाहिए ताकि मतलब उनकी फीस में कोई रुकावट ना आए। जगह 25 लाख 20 लाख 20 लाख का वो भाषणबाजी नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई प्रोग्राम ना, मुझे आपका वोट भी लेना नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं वो भी बताया था, कोई लालू के बारे में समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ कर रहने वाला है तो बिल्कुल नहीं। सत्ता साहब मेरी बात सुनो ना, मुझे ये करना है 100 दिन में करना है, इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले जूनी स्टोरिया विलास राव, विलास राव, अशोक चव्हाण, शंकर राव या और कोई बड़े बड़े नेताओं के नाम मुझे सुनना नहीं है। हमको क्या करना है इतना बोलो, रुपए ये जिस तरीके से आपकी बातें आवाम में हैं कि मतलब आप काम करने वाले हो, यकीनन उसी एतबार से इतना आवाज पे सब लोग इकट्ठा हो और हम समझते हैं कि आप जो काम हाथ में लिया है आपने वो मुकम्मल भी करेंगे। दूसरी चीज जो 1 लाख रुपए का क्राइटेरिया था मरना रिजर्वेशन की बात पे वो 8 लाख रुपया हुआ, तो इसमें भी वो 8 लाख रुपए हो जाना चाहिए। देखो जब हम 30 करोड़ के 500 करोड़ कर रहे, तो ये सारे जितने आपको यहाँ जो जो भी जो जानकार जो अपने अपने फील्ड में काम करने वाले, कोई एजुकेशन में करने वाले, कोई व्यापार में, धंधे में, कोई बिजनेस में, तो आप जो बता रहे मैं इसके लिए ही इंशाल्लाह यहाँ आया, तो मुझे वही बात आपका ये और कैसा है कि ये सब करने के लिए 100 दिन का टारगेट रखे, 5 साल का नहीं, हमारे पास तो 10 महीने और मैं 100 दिन के अंदर ये 3-4 जो काम करना है इसके जो कानून में जो भी उसके जीआर निकालना होंगे वो तो मेरी सही से निकलने वाले हैं, इसके लिए किसके पास जाने की जरूरत नहीं और वो मैं ही बदल दूंगा सर, मैंने जो बदला हुआ वो दूसरा कोई नहीं होगा सर। एक चीज क्या थी कि ये बच्चों की तालीम मुकम्मल होने के बाद 6 महीने बाद ये पॉइंट रिकॉर्ड होना शुरू होना चाहिए, तो सर वो ठीक है उसको 1 साल की मुद्दत अगर हो तो 1 साल करेंगे, हाँ वो 1 साल करिए ताकि वो 1 साल स्टेबल हो और अपना पॉइंट वापस कर सके। नहीं वो इसलिए करना है अपनों को क्या वो दूसरे बच्चे के काम राइट ये हमने जिन डिपार्टमेंट दो तुम बता रहे हैं कितने महामंडल बने और उसके जिसने इसने बंडल खिसे में डाल लिया वापिस नहीं आया काम क्यों है, जब हमारा पॉपुलेशन करोड़ों में है और हम 1000 में बांटेंगे और वो